आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई घर काफी सालों से बंद हो और उस घर में समय समय पर पूजा पाठ ना किया जाए तो उस घर में आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और साथ ही साथ मैं भूत प्रेत इन सब बातों को भी नहीं मानता था। मगर इस घटना के बाद से इन सारी बातों को मानना तो दूर, इन सारी बातों को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ ही साथ मैंने उन सब जगहों पर भी जाना छोड़ दिया जहां भूत प्रेत की बातें होती हैं। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं अपने जीते जी नहीं मिटा सकता। खैर, ट्रेन काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया हम कब तक वहां पहुंच जाएंगे? अनिल यानी मेरे भाई के मुंह से ये सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। इस पर मैंने अपने भाई अनिल से कहा, हम लोग बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। असल में हम दोनों अपने गांव मिराजपुर जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने गांव मिराजपुर में ही रहते थे, मगर आज से 10 साल पहले मेरी नौकरी शहर में लगने के कारण हम लोग सभी परिवार शहर में चले गए। तब से गांव में कोई नहीं आया और आज हम दोनों 10 सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं और साथ ही साथ 10 सालों से हमारा गांव का घर बंद पड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई जिसके साथ ही हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। खैर, आधा घंटा और ट्रेन में बिताने के बाद हम अपने गांव के स्टेशन पर उतरे। तो गांव के स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतने सालों में गांव जरा भी नहीं बदला, मगर हाँ रात के वक्त लोगों का चहल पहल थोड़ा बढ़ गया है। स्टेशन से हमारे गांव का घर करीब 5 किलोमीटर दूर था तो हमें वहां जाने में किसी सवारी की जरूरत पड़ने वाली है, जिस कारण हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफी सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले तो रात के 9:15 बजे सारा गांव एकदम से वीरान हो जाता था, लेकिन अब लोगों की थोड़ी चहल पहल देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? उस आवाज को सुनकर हम दोनों भाई पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी ऑटो के पास खड़ा है। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई ऑटो वाला है। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, मुझे मिराजपुर गांव के चौक पर जाना है। इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ। जिसके बाद हम दोनों भाई चढ़कर उस ऑटो में बैठ गए और हमारे बैठते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले हमारे गांव में ऑटो नहीं चलता था, मगर अब हमारे गांव में ऑटो भी चलने लगा। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब यहाँ ऑटो कब से चलने लगा? जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, 2-3 सालों से चल रहा है। आप लोग काफी सालों के बाद आए लगता है, किसके घर जाना है आपको? जिसके बाद मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब आपका घर तो काफी सालों से बंद है, तो अचानक आपका वहां रुकना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला चुप हो गया। मैं तो इन सब बातों पर शुरू से ही विश्वास नहीं करता था, तो मैंने भी उस ऑटो वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे हम ऑटो से उतरे और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफी सालों से घर में कोई ना रहने से घर की बाहरी दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। घर के बाहर का दृश्य को देखकर घर के अंदर का माहौल हमारे दिमाग में खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, हम चलकर घर के दरवाजे के पास पहुंचे और अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाजे पर लगे ताले को
खोलने लगे। अभी मैं ताला खोल ही रहा था कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वो आवाज हमारे घर के पीछे से आ रही है। इस पर मैंने अपने भाई से कहा, अनिल तुरुक, मैं देखकर आता हूं कि कौन है। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि आगे का नजारा भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, किसी तरह चलकर मैं घर के पीछे पहुंचा और इधर उधर उस आवाज को तलाशने लगा। मगर कुछ देर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगा कि तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो नीचे का नजारा देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नीचे काफी सारी हड्डियां गिरी हुई थी। मगर इतनी सारी हड्डियां यहां आई तो आई कैसे, साथ ही साथ वो सारी हड्डियां किसकी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं वहां खड़े ना रहकर वापस चलते हुए अपने भाई के पास आया। साथ ही मैंने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि ये हड्डियों वाली बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो डर जाए। जिसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रात काफी हो जाने के कारण हम दोनों भाइयों ने तय किया कि आज रात हम एक कमरा साफ करके उसी में सो जाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से एक कमरा साफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। काफी लंबा सफर तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही हमारी पलकें भारी होने लगीं, और देखते ही देखते नींद ने हमें कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे हल्का होने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा, जिसके बाद मैं उठा और हल्का होने के लिए बाथरूम में गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आ तो आ कहां से रही है। हल्का होने के बाद मैं उस आवाज की ओर बढ़ने लगा कि आखिरकार ये आवाज है तो है किस चीज की। वो आवाज एक दूसरे कमरे में से आ रही थी, तो मैं चलकर उस कमरे के दरवाजे पर गया। तो दरवाजे पर जाकर कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठकर इंसानों की हड्डियां चबा रहा था। वो हड्डियां ताजी थीं, क्योंकि उन हड्डियों से खून भी टपक रहा था। साथ ही साथ उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुकें तो ये शैतान हमें भी मारकर खा जाएगा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे लेकर सीधे घर से काफी दूर भाग गया। तो इस तरह उस रात हम दोनों भाई मरते मरते बचे।